अगर आप एक फीमेल हो यानी कि महिला हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या फिर कोई भी हो और आप भी ये चाहते हो कि YouTube से अर्निंग करें तो इस वीडियो को एंड तक एक बार जरूर देखिएगा, ये स्पेशली आप लोगों के लिए ही है। सबसे पहली बात कि ऐसा हो सकता है कि आप में से जो लोग वीडियोस देख रही हैं बहुत लोगों के कुकिंग से रिलेटेड चैनल्स होंगे या फिर स्टिचिंग रिलेटेड चैनल होंगे, ठीक है। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो सबसे पहले आपसे एक सवाल है मेरा कि कुकिंग चैनल और स्टिचिंग चैनल ही क्यों? कहने का मतलब यह है कि अगर आपने कुकिंग का या फिर स्टिचिंग का चैनल स्टार्ट किया है, अच्छी बात है, और ये अच्छी बात तब होगी जब उस पर रिस्पॉन्स आ रहा है या फिर अच्छे व्यूज आ रहे हैं या फिर लग रहा है कि हाँ इस पर व्यूज आ रहे हैं धीरे धीरे। अच्छी बात है, आप उस पर कंटिन्यू रहो, रेगुलर वर्क करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा हो रहा है कि आप एक साल से, डेढ़ साल से, दो साल से लगे हुए हो, कंटिन्यू वीडियोज अपलोड कर रहे हो बट उसका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, फिर भी आप वहीं के वहीं अटके पड़े हो। तो मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, कुकिंग वीडियो ही क्यों या फिर स्टिचिंग वीडियो ही क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये चीज़ें आपको आती हैं या फिर इन चीज़ों को आपने स्टार्टिंग से किया है तो बस इसी में हम रहेंगे? मतलब ऐसा तो कहीं नहीं है ना, यहीं पे लिख करके फिक्स तो नहीं किया गया है कि आप इसी कैटेगरी में रहोगे और सिर्फ इसी कैटेगरी में वीडियोज बनाओगे? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है, यूट्यूब ने भी ऐसा कोई रूल नहीं बनाया है और ना ही आप लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि अभी के टाइम में है क्या, यूट्यूब के ऊपर कुकिंग और स्टिचिंग वाले चैनल्स भरे पड़े हैं, इतने ज़्यादा हैं कि मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और हर रोज़ ऐसे चैनल्स ओपन होते हैं। और ख़ास करके जो हाउसवाइफ हैं वो लोग क्या करते हैं कि सब कुछ ठीक है, घर में रोज़ खाना बनाना है, कुकिंग चैनल स्टार्ट कर दो, वीडियोज़ बना करके अपलोड कर दो, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके चैनल पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो उस पे काम करना सही है, नहीं तो उस पे कंटिन्यू मेहनत करना, कंटिन्यू काम करना बेकार है। तो अब आप बोलोगे कि हमें कुकिंग के अलावा कुछ आता ही नहीं है तो हम करें क्या, ये भी तो सवाल हो सकता है। तो इसका भी आंसर है, इसका आंसर ये है कि सबसे पहले आप YouTube अगर आप देखते होगे, हमेशा स्क्रॉल करते होगे, तो आपके सामने ऐसी बहुत सारी फीमेल्स के भी वीडियोज सामने आती होंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वीडियोज क्रिएट करती हैं YouTube के ऊपर, अलग अलग टाइप्स के चैनल्स उनके हैं, आपने देखा होगा। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि हमारे पास तो ना कोई इक्विपमेंट है ना ही हमें ज़्यादा कुछ आता है तो हम क्या करें? तो अरे आपके लिए भी ऑप्शन है, मान लीजिए कि आप कुकिंग वाले वीडियो बनाते हो या फिर किसी और तरह की वीडियोज आपने बनाई है, कुछ ना कुछ तो सीखा है ना यूट्यूब के बारे में, और कुछ भी नहीं आता तो वो सब कुछ यूट्यूब से सीख सकते हो आप। और किसी और अदर टॉपिक पे चैनल स्टार्ट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको आपके पास बहुत सारे सामान होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास जो स्मार्टफोन है जिसमें आपको अभी ये वीडियो चलती हुई दिख रही है वही काफ़ी है। वो कैसे है मैं इसी वीडियो में अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात ये कि अगर आप YouTube पे आए हो तो देखिए, फेमस होना तो बात के अलग है, लेकिन उससे भी पहले हमारा मोटिव होता है पैसे कमाना, पैसे अर्न करना, जाहिर सी बात है, सही बात है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। पैसे कमाना सबसे पहला मोटिव है हमारा। तो अगर ये है तो क्यों हम इतना टाइम दे रहे हैं, मतलब कि साल डेढ़ साल से लगे हुए हैं एक ही चैनल पे, कोई ग्रोथ नाम की चीज़ नहीं है, ना ही कुछ रेवेन्यू जनरेट हो पाई, ना ही कुछ हम पैसे कमा पाए हैं, चैनल भी अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है इतनी मेहनत करने के बाद, और अगर हो भी गया है तो कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, तो आप ये सोचोगे कि हम क्या करें? तो देखिए, इतने सारे YouTube पे टॉपिक्स हैं अभी के टाइम में, मैं बता रहा हूँ तब आपको समझ में आएगा। और ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अपना चेहरा दिखाने की जरूरत है, चेहरा दिखाने का मन है तो दिखाओ, फेस कैम वाली वीडियो बनाओ, नहीं तो वॉइस ओवर में आप जा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज़ देकर के भी वीडियोज क्रिएट कर सकते हो। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज बनाई हुई हैं जिनके ऊपर आप वॉइस ओवर देकर के वीडियोज बना सकते हो, जैसे कि बुक ट्यूबिंग, कोट्स, बायोग्राफी, न्यूज फैक्ट्स, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने फुल डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जिनमें आपको किसी भी तरह की किसी और इक्विपमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने स्मार्टफोन से सारी चीज़ें कर सकते हो। प्रॉब्लम यह है कि आप उस कैटेगरी में घुसना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप इस तरह के वीडियोज में, इस तरह की कैटेगरी में घुसते हो तो इधर से ज़्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आप कर नहीं रहे हो। मैं सीधी सीधी बात बताता हूँ आपको, आप बहुत सारे YouTube पे ऐसे वीडियोस देखते हो जिसमें जो आप सीरियल्स देखते हो उससे रिलेटेड आपको अपडेट्स देखने को मिलते होंगे, बहुत सारे न्यूज़ के अपडेट्स देखने को आपको मिलते होंगे, बॉलीवुड से रिलेटेड अपडेट्स आपको देखने को मिलते होंगे, उनसे रिलेटेड वीडियो देखने को मिलते होंगे, उनमें सिर्फ आवाज़ें रहती होंगी, किसी का चेहरा नहीं दिखता होगा, और उस वीडियो में थोड़ी बहुत वीडियो फुटेज होती है और जिसके बारे में बताया जा रहा है उससे रिलेटेड पिक्चर्स चलती हैं बस, और वो वीडियो बनती है, और उस तरह के जो भी वीडियोज हैं उन पर 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 मतलब कितने भी व्यूज आते हैं, किसी किसी पे अचानक से मिलियंस भी आ जाते हैं। तो इस तरह के चैनल्स को चला कौन रहा है? अगर किसी फीमेल की आवाज़ आपको उस तरह की वीडियोज में सुनाई देगी तब आपको पता चलेगा। और यहाँ तक कि फैक्ट्स की भी वीडियोज फीमेल्स बना रही हैं, मतलब फैक्ट के जो वीडियोज होते हैं शॉर्ट्स में खास करके, उसमें भी वो वीडियोज क्रिएट कर रही हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जितना एफर्ट अभी तक आप किसी और चैनल पर दे चुके हो, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ो और अदर निश पर ट्राई करो और अदर टॉपिक्स पर जाओ।
और आप बोलोगे कि अगर मुझे नहीं आता है तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोज यूट्यूब पर मिल जाएंगे, उनको देखो और सीखो। ठीक है, कहने का मतलब है कि अभी तक आपने जिस भी चैनल पर वर्क किया है तो करते करते तो बहुत कुछ आपको आ चुका होगा, नए किसी भी टॉपिक पर वीडियो क्रिएट करने में उतनी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो इतने सारे टॉपिक्स मैंने बताए, अब मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो बहुत सारे YouTube पे वीडियोज़ हैं, मेरे चैनल पे भी हैं, कि जिनमें टॉपिक्स बताए गए कि इन इन टॉपिक्स पे आप वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हो। उनमें से जो भी टॉपिक्स आपको पसंद आ रहे हैं, चार पांच जिनमें आप वॉइस ओवर करके क्रिएट कर सकते हो, उनको आप पेपर पे लिख लो, उनमें से डिसाइड करो कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी और उस चैनल को आप स्टार्ट करो। रही बात वीडियोज़ क्रिएट करने की, तो किसी भी टॉपिक के ऊपर कैसे क्या करना है, किसी भी वीडियो को कैसे एडिट करना है, वो सब कुछ आप आसानी से कर सकते हो। और अगर किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो स्टार्ट करने की सोच रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और इनके अलावा किसी भी और भी टॉपिक में आप वीडियो बनाने की सोच रही हैं, तो आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं उनके ऊपर फुल ट्यूटोरियल वीडियोज बना करके इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट चीज़ हो गई एडिटिंग और थंबनेल। तो एडिटिंग और थंबनेल आप सीख जाओगे, बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस अभी के टाइम में अवेलेबल हैं, किसी में भी एडिटिंग करना सीख जाओ, वो वीएन एडिटर हो, इनशॉट हो, काइनमास्टर हो, किसी में भी सीख जाओ, उसके थ्रू सारी चीज़ें हो सकती हैं। और अभी के टाइम में गूगल से सिर्फ पिक्चर्स डाउनलोड करके उस पर अपनी आवाज़ लगा करके बहुत सारे चैनल टॉपिक्स हैं जिस पे लोग वर्क कर रहे हैं। तो मेरा सीधा सा सवाल है कि आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चैनल्स पे क्यों फंसे पड़े हो, सिर्फ कुकिंग में ही क्यों फंसे पड़े हो, या फिर इस तरह के दो चार नीसेज हैं जिनमें आप सिर्फ चैनल क्रिएट करते हो, मतलब कि जो आप फीमेल्स हो, आप महिलाएं हो, उनके लिए लगता है कि यूट्यूब पे चार पांच कैटेगरी बनाई गई हैं, आप जब भी चैनल क्रिएट करेंगे सिर्फ उसी में और किसी और अदर टॉपिक में आप नहीं जाना चाहती। ऐसा लगता है कि बस लिखा हुआ है कि आप जब भी चैनल बनाओगे इसी टॉपिक पे बनाओगे, ऐसा तो नहीं है ना, तो फिर ऐसा क्यों करना। ठीक है, अगर YouTube पे आप आए हो, मोटिव है पैसे अर्न करना, रेवेन्यू जनरेट करना, तो ऐसा करना है तो फिर डिफरेंट टाइप्स के जो भी कैटेगरी है उनको भी ट्राई करो। इतना टाइम आपका खराब हो चुका है, आगे भी खराब होगा, तो उससे बेहतर है कि किसी और निश में जाएं और उससे बेहतर रिजल्ट पाएं। और चीज़ें हो रही हैं, एक साधारण सा उदाहरण आपको दूं, तो आपको YouTube पे बहुत सारे ऐसे फीमेल्स के चैनल मिल जाएंगे जो टेक टिप्स देती हैं, ठीक है, YouTube के बारे में बताती हैं, और आपको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप जा करके देखो लोग ऐसे कर रहे हैं तो फिर आप क्यों नहीं। ज़रूरी नहीं आप फेस दिखाकर कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं दिखाकर कर सकते तो वॉइस ओवर ही करो। बट आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप किसी और टॉपिक को भी ट्राई करो, किसी और निश में भी ट्राई करो, एक ही निश में मत फंसे रहो। और अगर आप ये सोचते हैं कि हम महिलाएं हैं, हम सिर्फ कुकिंग ही करेंगे, कुकिंग वाली ही वीडियोज करेंगे, इससे आगे हम जा नहीं सकते, अच्छी बात है, लगे रहो।